जबलपुर के सेंट एलायसिस स्कूल में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब समय से पहले स्कूल प्रबंधन ने स्कूल के मेन गेट बंद कर दिए और आधे से ज़्यादा बच्चे स्कूल के बाहर खड़े रहे, जिनमें बहुत से बच्चे छोटी क्लास के थे। वैसे तो स्कूल लगने का समय 7:20 है, पर आज सुबह 7:17 के पहले ही सेंट एलायसिस स्कूल प्रबंधन ने गेट बंद कर दिए। कई बच्चों का तो रो रोकर बुरा हाल हो रहा था, पर स्कूल प्रबंधन को उन पर जरा भी दया नहीं आई। जैसे ही यह खबर अभिभावकों को लगी तो सारे बच्चों के अभिभावक तुरंत ही स्कूल पहुंच गए। उनके साथ अभिभावक एसोसिएशन के पदाधिकारी भी पहुंचे और स्कूल प्रबंधन के तानाशाह रवैये का विरोध करते हुए दिखे। जब स्कूल प्रबंधन किसी से भी सीधे मुंह बात करने तैयार नहीं हुआ तो सारे अभिभावकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को इसकी जानकारी दी और विरोध दर्ज कराया कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को वीडियो दिखाकर पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं जो हमारे स्कूल का विरोध कर रहे हैं। लड़कियों को लेट आने पर सबके सामने जमीन पर बैठा कर रखकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं और भी बहुत कुछ बातें बताएं जो आपको सुनाते हैं। हाँ भैया, क्या समस्या थी, क्या 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 बच्चों के साथ क्या ट्रीटमेंट दे रहे? कल मेरी बच्ची थोड़ा लेट हो गई और मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मेरे को दिक्कत होती, तो मेरी मिसेज छोड़ने आ रही तो 5-10 मिनट लेट हो गई। उसके बाद इसको पनिशमेंट के तौर पे इसको पूरे पीरियड नीचे बैठा के रखा रहा। आज जब सुबह मैंने बोला चलो बेटा स्कूल चलना, तो डर के मारे आ नहीं रही थी। बोलती पापा मेरे को नहीं जाना, वो नीचे बैठाते हैं अगर ज़रा से लेट आते। मैंने बोला कितने बजे? तो बोलती 7:20 पे इन लोग ने बोला कि नीचे बैठाएंगे जो बच्चे लेट आएंगे। अब बताओ मैं अपनी नौकरी छोड़ के आऊँ कि क्या करके आऊँ? मैं भारी परेशान हूँ, आज बच्ची को बड़ी मुश्किल में लेके आया, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है। देखिए लगातार 2 दिनों से जो स्कूल के खिलाफ कंप्लेन आ रही हैं, पहले स्टेम फील्ड में कल कई पेरेंट्स गए, वहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें बच्चों को रिजल्ट नहीं दिखाया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको स्कूल प्रशासन की तरफ से बोला जा रहा है कि आप लोगों के वजह से हमारे लोग जेल में हैं, इसलिए हम आप लोगों को बहुत इसी तरीके से रहने देंगे, पनिशमेंट देंगे। और एक एक बच्चों को वीडियो दिखा के पेरेंट्स को छांटा जा रहा है कि इसमें से क्यों किसके पेरेंट्स कौन हैं, और उनको फ़ोन करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही हैं। जैसा कि हम लोगों को 2-3 दिन से स्कूल की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहा है कि 7:20 पे स्कूल बंद हो जाएगा, आज सुबह इन लोग ने जो 7:20 की जगह इन लोग ने 7:17 पे स्कूल का मेन गेट ना बंद करते हुए इन लोग ने चैनल गेट बंद कर दिया, जिससे स्कूल प्रेमाइसेस के अंदर 200 से 300 बच्चे एकत्रित हो गए। बाद में इन लोग ने वो चैनल गेट भी बंद नहीं किया, बच्चे इकट्ठे हो गए। जब हम लोग ने इसका विरोध किया कि भाई 5-7 साल के से छोटे बच्चे भी वहाँ पर मौजूद है, UKG LKG के, आप उनको अंदर ले लो, तो स्कूल प्रशासन का अभिभावकों के प्रति दुर्व्यवहार इन लोग ने किया। उसके बाद फिर हम लोग ने जब इसका विरोध दर्ज कराया वहाँ पे, तो इन लोग ने छोटे बच्चों को तो अंदर लिया। आज सेंट एलायसिस स्कूल पोलीपत्थर के अभिभावक लोग आए थे, उनका कहना है कि स्कूल ने, स्कूल प्रशासन ने 7:20 का टाइम रखा हुआ है और 7:17 पे गेट बंद कर दिया, इसके कारण बहुत सारे बच्चे परेशान हुए और लेट फीस के संबंध में भी उनने बात की, तो भी उनकी बातें सब सुनी गई हैं। कल शाम को 5 बजे